डियर रूलर फ्रेंड्स नवंबर 2023 लियो के लिए कैसा रहेगा देखिए ये महीने में आपको तोल मोल के बोलना है विवाह योग बन रहा है पक्का जो बहुत लंबे समय से आपके वैवाहिक जीवन में एडजस्टमेंट है इस बात को मान के चले आप स्पाउस बड़ा आप जैसा गॉर्जियस नहीं होता जैसे आपका जो चलना उठना बैठना बातें करना वो उसका नहीं होता सो विवाह का मौका मिलेगा और ये मौका आपको 31 अक्टूबर से दिखाई देने लग जाएगा 26 नवंबर तक 26 नवंबर तक सो बी फास्ट और उसमें भी दो फर्स्ट वीक में ही कोई, कोई कोशिश करिए एक दो तीन नवंबर को पूरी संभावनाएं बन रही है 31 अक्टूबर फर्स्ट नवंबर एंड सेकेंड नवंबर एंड थर्ड नवंबर सो कोशिश करिएगा अब ये जो आपको इस महीने में तोल मोल के बोलना है जो भी आप बोलते हैं सोच समझ के बोलिएगा आपके हो सकता है भाई या पड़ोसी भाई यानी कि चाचा का लड़का भी हो सकता है सगा भाई भी हो सकता है या आपके जो वैवाहिक जीवन का साथीदार है आपका स्पाउस है उसके भाई बहन के सिबलिंग्स सिबलिंग्स नहीं बोल सकते हैं भाई बहन के स्पाउस ही वो कहीं ना कहीं ट्रबल में होंगे और इस बार देखें आपकी डेरिंग आपको महंगी पड़ सकती है अठारह अक्टूबर से सोलह नवंबर में कहीं दो कदम पीछे हटना पड़े तो पीछे हटिएगा लग्नेश तृतीय में नीचे राशि का हुआ है पीछे हटना पड़े तो तीन कदम पीछे हटने के बाद हमला करना है सत्रह नवंबर के बाद तब तक अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है आपको सत्रह नवंबर तक अब दो आर जॉबलेस उनके लिए इस महीने का सबसे बढ़िया दिन है दस ग्यारह बारह और तेरह बहुत बड़ी मुलाकात होगी और आपका काम हो जाएगा दोज आर जॉबलेस देखिए ये महीना आपको कहीं प्रतिष्ठा भी देगा आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर भी आएगी क्योंकि अभी आपका पर्सनली आपका स्पाउस का जो बोलना है वो धीरे धीरे आपको चुभने लग जाएगा और हो सकता है देखिए आप अगर जो चाइल्ड प्लान कर रहे हैं तो ये महीने में एक अच्छा न्यूज आपको दिखाई देगा चाइल्ड का बच्चे का संतान का एक अच्छा न्यूज भी दिखाई देगा आपको ये भी हो सकता है क्योंकि गुरु की बहुत पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है गुरु का स्टोन है तो जरूर पहन लीजिएगा बिजनेस के लिए मैं ना बोल रहा हूं और विवाहित अविवाहित लोगों के लिए विवाह का मौका मिलेगा मैंने बोला और इसमें कोई हेल्थ के इश्यू भी आएंगे नहीं फाइनेंशियली द बेस्ट है 24, 25 एंड 26, 24, 25, 26 बेस्ट है और इस महीने में महालक्ष्मी का दिन है 12 नवंबर को महालक्ष्मी पूजन करिएगा संडे को देखिए शुक्र नीच राशि का है आपको अक्टूबर महीने में जब ये शुक्र नीच राशि का हो रहा है तीन नवंबर से उनतीस नवंबर में कन्या भोजन करवाइएगा अक्टूबर में कराओगे तो अच्छा है नवंबर में कराओगे तो भी चलेगा कन्या भोजन कराइएगा या तो कोई पुअर लड़कियां दिखती है आठ नौ साल से छोटी उनको फूड पैकेट ऑफर करिएगा कर्मस्थान पर आपकी जवाबदारी अभी बढ़ने लगी है और अमावस के दिन ग्यारह किलो हो सके तो गेहूं क्योंकि लग्नेश सूर्य आपका नीच राशि का हुआ है अठारह अक्टूबर से 16 नवंबर तक सो आई आई विल से 13 नवंबर को जो अमावस है अमावस के दिन विष्णु शत नाम करके 11 किलो गेहूं शिव मंदिर में रख दीजिएगा थैंक यू वेरी मच